हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम लेके आए क्लास 11 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिस्कवरीज ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। इस लेक्चर में हम सबएटॉमिक पार्टिकल की किस किस तरीके से डिस्कवरीज हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक, ठीक है। अब सबएटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, यानी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं, हमने बताया था कि ये सबएटॉमिक पार्टिकल है किसी भी एटम की। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कि किस किस तरीके से डिस्कवरीज हुई थी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी। तो अपनी हेडिंग डालेंगे हम कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था वो जे जे थॉमसन ने किया था 1897 में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने क्या करा, डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। कैथोड रे ट्यूब क्या थी, कैथोड रे क्या है, ये कैथोड रे ट्यूब कौन क्या थी, कैथोड रे ट्यूब ये थी। ये कैथोड रे ट्यूब थी, ये इस पर एनोड था, एनोड कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज, और ये था कैथोड कैसा था, निगेटिवली चार्ज, और इसको बोला गया था, इसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, इसको हम क्रूप ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम क्रूप ट्यूब भी बोलते हैं। क्रूप ट्यूब क्यों बोलते हैं हम, क्रूक ट्यूब जो थे, क्रूक के नाम पर ही रखे गए थे। क्रूक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी कर रहे थे गैस के बारे में, उसके दौरान इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, तो इस उनके नाम पर क्या रख दिया गया, क्रूक ट्यूब रख दिया गया। अब ये जो थी बैटरी थी, ये क्या थी, बैटरी जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, लगभग 10,000 वोल्ट, ठीक है, ये क्या रखती है, इतना पोटेंशियल ये जनरेट करती है। तो ये ट्यूब थी, इस ट्यूब में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया, और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो सीआरटी एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले ये जो थी ये ली कैथोड, ये कैथोड था और ये एनोड, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज। अब उस समय क्या था, जब ये करा रहे थे एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, तो इन्हें शुरुआत में कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में एयर फील्ड थी इसके अंदर नॉर्मल कंडीशन थी। तो इस कंडीशन में इन्हें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, कुछ भी ये ऑब्जर्व नहीं कर पाए जब एयर इसके अंदर फील्ड थी और नॉर्मल कंडीशन थी। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि देखो नॉर्मल कंडीशन पे जो एयर होती है, एयर इज अ वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एट नॉर्मल कंडीशन जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बाद क्या करा उन्होंने, इसके अंदर प्रेशर रिड्यूस करना शुरू कर दिया। प्रेशर रिड्यूस 10^-3 से लेकर 10^-4 mm ऑफ मर्करी तक इन्होंने इसका प्रेशर रिड्यूस किया। इसमें वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम चैम्बर था यह, इन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया इसके अंदर। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ नोबल गैसेस भरी, जैसे हीलियम जो कि लाइटर थी, कैसी थी, जो लाइटर थी वेट में। अब जब इन्होंने ये कंडीशन इसके अंदर रखी, तब इन्हें कुछ ऑब्जर्व होना शुरू हो गया। इन्होंने देखा और एक चीज और करनी थी कि यहाँ जो थी फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग की थी किसकी,
ZnSp, ये क्या है? फ्लोरोसेंट मटेरियल है। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन से होते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं कि जब इन पे कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक ऑन इट प्रोड्यूसेस लाइटनिंग। अब देखो ये जो थी इस पर फ्लोरोसेंट की स्क्रीन की गई थी, यानी कोटिंग की गई थी ZnS4 की, जो कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल था। जब इस पर कोई चार्ज पार्टिकल क्या होता है, जब इस पर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक होता है तो लाइटनिंग प्रोड्यूस करती है। मान के चलो मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक करा, तो यहाँ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ लाइटनिंग स्पार्क, लाइटनिंग पॉइंट जो होता है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से इन्होंने ऑब्जर्व करा कि कुछ रेज है जो कैथोड से निकल रही है और इधर आके स्ट्राइक कर रही है, जैसे कि लाइटनिंग जो पॉइंट थे वो स्पॉट थी वो ऑब्जर्व हो रही थी। ये जो थी कैथोड जो थी, कैथोड रे जो थी वो अपने आप में इनविजिबल थी, अपने आप में क्या थी, ये इनविजिबल थी। तब ये जब इसके यानी इसकी हेल्प से हमें पता चला कि कैथोड रे यहां से निकल रही है। ये खुद में तो इनविजिबल थी लेकिन जहां ये जब स्ट्राइक कर रही थी तो इस पर क्या था, ये लाइटनिंग स्पार्क प्रोड्यूस कर रही थी। अब क्या हुआ, अब कैथोड रे यहां से निकली। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या दी गई थी कैथोड रे की, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टी बोली कैथोड रे की, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जब अब्सेंस होनी चाहिए, अब्सेंस होनी चाहिए किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड मैग्नेटिक फील्ड की। ये जब इनकी अब्सेंस में ये कैसे करेंगे, ट्रेवल करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में। इससे क्या कंक्लूज हुआ, इससे ठीक है, इससे कैसे इन्होंने बताया, किस तरीके से इन्होंने प्रूव करा कि जो साइंटिस्ट थे जे.जे. थॉमसन, वो क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन के जब वो एक रॉकेट बैठ के क्रॉस बोलते हैं ठीक है, क्रॉस करके एक रॉकेट था, उन्होंने जो वो रॉकेट पैर रहे थे उन्होंने उस ट्यूब के अंदर रखा। जब उन्होंने उस ट्यूब के अंदर रखा तो वहां पर क्या थी, जब यहां से रेस निकल रही थी कैथोड से, तो उन्होंने के बीच में क्या रखा, उन्होंने अपना जो रॉकेट था उसको रखा, तो क्या हुआ, इसकी शैडो यहां बनने लगी। ये क्या हुआ, ये इसकी शैडो यहां बनने लगी। जब रखने पे यहाँ शैडो बनी इनकी, तब इन्होंने ये प्रूफ करा कि ये जो होती हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, लेकिन अब्सेंस होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। फिर क्या हुआ दूसरा, दे कंसीड ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स पार्टिकल को कंसीड करती हैं हैविंग सम मोमेंटम। उन्होंने बोला कि ये जो होती है कंसिस्ट करती है पार्टिकल को जिसके पास उसका क्या है, मोमेंटम है। अब ये कैसे प्रूव हुआ कि उन्होंने क्या करा, एक व्हील लगा यहां पर, ये व्हील रखा। जब यहां से रेस ये पास कर रही थी तो ये जो होता व्हील, ये जो व्हील था ये रोटेट करने लगा, तो ये व्हील था ये रोटेट करने लगा। जब ये कैथोड रे जो थी इस पर अब स्ट्राइक करी तो ये रोटेट करने लगा। इससे पता चला कि ये पार्टिकल से मिलकर बना है जिसके पास कुछ मोमेंटम है। थर्ड क्या था कि इट मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब ये कैसे पता लगा कि जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट, जब नेगेटिव जब ये कैथोड रे ट्रेवल कर रही थी तो ये क्या कर रहा था कि पॉजिटिव प्लेट जो थी उसकी तरह डिफ्लेक्ट हो रही थी। दूसरा इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया साउथ नॉर्थ,
ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये क्या थी, ये ट्रैप हुई, ये क्या थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी साउथ की तरफ। तो इससे पता चला कि ये जो अब चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है। अब चार्ज पार्टिकल कौन सा था कि जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल कर रहा था इस पर कैसा है, ये नेगेटिव चार्ज है। यानी कि ये जो चार्ज प्रेजेंट है इन पार्टिकल पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। फिर क्या हुआ कि जब देखा गया कि इस पर जो है नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये रे का जो नाम दिया गया था, ये जो रेस का नाम दिया गया था, यानी जो पार्टिकल से ये मिलके बनी है, ये जो रेस जिन पार्टिकल से मिलके बनी है उन पर नेगेटिव चार्ज था, तो इनको बोला गया नेगाट्रॉन। नेगाट्रॉन बोला जाए क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, तो सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया, नेगाट्रॉन। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए स्टॉनी, जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इस पार्टिकल का नाम रखा, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल था उसका नाम रखा इन्होंने इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इसका नाम क्या रखा, इन्होंने इसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। वहां से ही डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। लेकिन अभी हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, सिर्फ हम पता लगा पाए थे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज कितना, वो ये जो होता है उस पर चार्ज कैसा होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाए थे अभी, ठीक है ना, इसका मास बता पाए थे। तो देखते हैं कि किस किस तरीके से इनका मास बताया गया, इसका चार्ज बताया गया। फिर क्या हुआ, जब इतना बताने के बाद हमें पता चला कि ये पार्टिकल जो है कैथोड रे के, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उनको क्या बोला गया, उनको इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। वहां से डिस्कवरी हुई हमारे इलेक्ट्रॉन की। अब फिर प्रॉपर्टीज, यानी किस किया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, मास के बारे में पता लगाना, उस पर चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, उस पर चार्ज कितना है, उस पर मास कितना है, है? और फिर क्या करा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन का, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ये देखते हैं कि ये किस किस तरीके से इसका मास आया, कैसे इसका चार्ज आया और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या हुआ कि अब जे.जे. थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, जे.जे. थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने E/N का रेशियो बताया। E/N का रेशियो जो आया था वो E/B²/R ये था। ये क्या थी, स्ट्रेंथ थी किसकी, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या स्ट्रेंथ थी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये क्या, ये वो रेडियस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद वो जब डिफ्लेक्ट हो रही थी, किस रेडियस में, रेडियस ऑफ पाथ और कह सकते हैं सर्कल इंस्क्राइब्ड वाई इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को सब्जेक्टेड किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो सर्कल जो बना रही थी उसमें कितना इंस्क्राइब किया उन्होंने, तो उसका जो रेडियस था ये। तो ये जो वैल्यू निकल के आई E/N की, जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई हमारे पास 1.7, ठीक है, 1.79 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये कितनी निकल के आई, 1.79 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये क्या निकल गया, E/N का रेशियो निकल गया। इसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं इसको। तो स्पेसिफिक चार्ज जो निकाला उन्होंने जिसे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से, कितना आया, 1.79 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। इसके बाद क्या हुआ, जब E/N का रेशियो बता दिया, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, आर ए मिलिकन ने क्या करा, वो उन्हें भी आर ए मिलिकन ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट कराया जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। अब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या करा इन्होंने, इन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बता दिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आया इन्होंने बता दिया कि E पर जो चार्ज है वो 1.69 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये क्या था, ये एब्सोल्यूट चार्ज था, एब्सोल्यूट चार्ज निकल के आया, वो कितना निकल के आया, 1.69 × 10⁻¹⁹ कूलम ये चार्ज निकल गया इलेक्ट्रॉन पे।
जब इलेक्ट्रॉन पे इन्होंने चार्ज की वैल्यू बता दी, जब रॉबर्ट यानी आरए मिलिकन ने जब ऑयटॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बता दिया 1.69 × 10⁻¹⁹ कूलम, तब हम क्या कर रहे हैं, आसानी से मास निकाल पाए इलेक्ट्रॉन का। अब देखो मास किस तरीके से निकाला इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास निकाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकाला तो वो क्या कैसा आया निकल के, वो आया जब हमने क्या करा, जब चार्ज को E अपॉन एम से यानी चार्ज को जब स्पेसिफिक चार्ज से डिवाइड कर दिया तब हमारे पास मास निकल गया इलेक्ट्रॉन का। ये कितना निकल गया, 9.1 × 10⁻³¹ kg, ये इसका मास निकल गया है। ठीक है, ये मास निकल गया है इलेक्ट्रॉन का। तब हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे हमें क्या करा, E अपॉन एम का रेशियो पता चला, हमें चार्ज का रेशियो पता चला और हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया। फिर अब देखते हैं कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E का जो सिंबल था वो ये था -1, ये क्या था, ये रिलेटिव चार्ज था, क्या था, रिलेटिव चार्ज, यानी किसी के कंपैरिजन पे कि इस पे कितना चार्ज है दूसरे कंपैरिजन में, तो ये रिलेटिव चार्ज था, रिलेटिव चार्ज कितना -1, 0 इसका मास ले लिया, ये था एप्रोक्सीमेशन मास जो था, एप्रोक्सीमेशन मास जो था इसका 0 था, बहुत ही ज्यादा छोटा था। वैसे भी अगर इसका मास देखें तो मास कितना निकल गया, 9.1 × 10⁻¹³¹ kg, ये बहुत ही कम मास है, तो इसको हमने नेग्लिजिबल माना। तो ये इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करा इसको, ये E इसका सिंबल है इलेक्ट्रॉन का, -1 रिलेटिव चार्ज है और 0 का बिल्कुल एप्रोक्सीमेशन मास जो कि 0 कंसीडर हम करते हैं। इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें सारी चीजें पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, कैसे 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 उस पर चार्ज बताया, कैसे उस पर मास बताया कि और कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे इसके पीछे। अब इसके बाद क्या होता, इसके बाद जब हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई फिर अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब देखो ये जो था ये भी एक एक्सपेरिमेंट था, यानी जो डिस्कवरी का जो मेन जो हमारा क्रेडिट जाता है वो हमारे गोल्ड स्ट्रीम को जाता है। गोल्ड स्ट्रीम ने क्या करा था, डिस्कवरी की थी किसकी, प्रोटॉन की। इन्होंने भी क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट कराया, कैथोड रे ट्यूब को लेकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया, लेकिन उसमें क्या डिफरेंट था, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे ट्यूब यूज करी थी, ठीक है, इन्होंने क्या करा, ये कैथोड रे ट्यूब यूज करी थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, यहां पर कुछ परफोरेटेड प्लेट यूज करी थी, परफोरेटेड कैथोड प्लेट यूज करी थी, परफोरेटेड कैथोड, और ये क्या था, ये एनोड था, एनोड जो पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इन्होंने देखा कि जब कुछ रेज यहां से निकल रही थी कैथोड से, जब कुछ रेज निकल रही थी तो इसके अंदर कुछ गैस थी, फिर थी गैस होती, इसके अंदर कुछ गैस थी जो फिर थी, कौन सी थी, हीलियम या कोई भी लाइटर गैस जो कि नॉर्मल यानी कैसी थी, नोवल गैसेस थी। प्रेशर जो था इस पर कितना था, 10⁻⁴ mm³ था। इस कंडीशन में भी इन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट कराया, तो उन्होंने देखा कि जब ये गैस थी, इसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे, गैस के ये मॉलिक्यूल्स थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, जब यहां से रेज यहां टकरानी थी, टकराने के बाद ये आयनाइज कर रही थी इस गैस को, ये गैस क्या कर रही थी, आयनाइज कर रही थी। जब ये गैस के पार्टिकल ये आयनाइज होकर आ रहे थे, प्लस प्लस 100 ग्राम को ये आयनाइज होकर ये आ रहे थे, तो ये जो थे ये ट्रेवल होने लगे टुवर्ड किधर, नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी इधर की तरफ जाने लगे। तो यहाँ पे भी जिंक की कोटिंग की गई थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग, तो यहाँ पर ये जा रहे थे इससे होकर, तो यहाँ पर भी क्या था, लाइटनिंग स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पर इधर साइड क्या था, लाइटनिंग स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा था,
लाइटनिंग स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा था। तो फिर गोल्डस्टीन ने देखा कि कुछ पॉजिटिव रेज है जो कैथोड की तरफ जा रही हैं और यहाँ आके स्ट्राइक कर रही हैं और क्या कर रही हैं, अपना इफेक्ट शो कर रही हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि प्रोटॉन भी होते हैं, क्योंकि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इन रेज को इन्होंने बोला था एनोड रेज। जिस तरीके से हमारे जी जी थॉमसन ने कैथोड रेज से जो रेज निकल रही थी उनको बोला था कैथोड रे, इसको इन्होंने बोला था एनोड रेज, एनोड रेज बोला था। अब ये एनोड रेज होती ये हमारी एनोड से जनरेट नहीं होती, ये जो एनोड रेज थी ये हमारी एनोड से जनरेट नहीं हो रही थी, ये जो गैस थी आयनाइज वो निकल के इधर एक बीम बन रही थी और इधर की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने एक बस एक आइडिया लगाया कि कैथोड यानी एनोड किस साइड से ये रेज आ रही है, जब ये एनोड की साइड से रेज आ रही है तब उनको नाम दे दिया एनोड रेज। लेकिन ये एक्चुअली जो थी ये कैथोड से जनरेट नहीं हो रही थी, और इसको एनोड रेज के साथ साथ इनको क्या बोला गया, कैनाल रेज, कैनाल रेज। अब कैनाल रेज क्यों बोला गया ना, कैनाल रेज इसलिए बोला गया क्योंकि ये परफोरेटेड क्या थी, प्लेट, परफोरेटेड प्लेट थी तो इस पर कुछ होल थे, इस होल के थ्रू ये थी ये पास कर रही थी, इसलिए इनको क्या बोला गया, कैनाल रेज बोला। तो ये एक्सपेरिमेंट कराया, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, इस पर चार्ज ऑब्जर्व किया, इतना चार्ज था। अब देखो जिस तरीके से क्या था, कैथोड रे जो थी उसकी प्रॉपर्टीज थी, उस तरीके से हम प्रॉपर्टीज देखते हैं अपनी एनोड रेज की, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज की प्रॉपर्टी क्या थी कि ये भी क्या थी, स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं, ये भी चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं, और जो चार्ज पार्टिकल था वो कैसा आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पर ऑब्जर्व हुआ। कैसे हुआ कि जब इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये रेज रखी तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी, नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। जब ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी तो इस पर बताया कि ये चार्ज पार्टिकल जो मिलते हैं ये बना है, जो एनोड रेज जो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है उस पर कैसा चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो नॉर्थ की तरफ क्या थी, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इस तरीके से बताया कि इस पर कैसा चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब फिर क्या था, अब इस पर जो मास निकल के आया हमारे प्रोटॉन पे, जो मास निकल के आया, तो मास जो आया प्रोटॉन पे, मास जो आया, मास ऑन प्रोटॉन जो आया निकल के, वो आया 1.672 इंटू 10 की पावर, ठीक है, कितना आया 27 kg, ये इसका मास निकल के आया। चार्ज जो आया निकल के, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो आया निकल के, चार्ज आया प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलर। लेकिन वहाँ पॉजिटिव था या वहाँ निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव है, यानी चार्ज होता है प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव होता है। अब इसको क्या करें, रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, टेंशन जो के, तो इसको पी से लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्या था +1 और यहाँ पर मास क्या था, इसका मास भी इसका ले लिया 1। कैसे लिख लिया, चार्ज हमने क्या लिख लिया, चार्ज लिख लिया हमने इस पर +1। ये क्या है, ये रिलेटिव चार्ज है, रिलेटिव चार्ज है, और ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन जो मास था, अप्रोक्सीमेशन मिशन में जो मास था वो ले लिया। तो ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो आया था E अपॉन एम का जो रेशियो आया था इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इलेक्ट्रॉन के लिए जो आया था, तो वो तो आया था हमारे पास कितना, 1. ठीक है, 1.679 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर केजी आया था। लेकिन हमने जब प्रोटॉन के लिए हमने क्या करा,
प्रोटॉन के लिए जब चार्ज फाइंड करा e अपॉन m का रेशियो फॉर प्रोटॉन के लिए जो निकल के आया वो हमारे निकल का है 9.59 इनटू 10 की पावर कितना आया 10 की पावर 4 ग्राम में था ना 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम ये हमारे पास निकल गया है ठीक है ये निकल गया है यानी इलेक्ट्रॉन पे जो आया फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए जो था फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए जो निकाला था ई अपॉन एम का रेशियो 1.79 इनटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम आया था और जब हमने ई अपॉन एम का रेशियो प्रोटॉन के लिए निकाला था वो 9.59 इनटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम आया करके अब देखो इससे क्या था कि ये जो थी यानी ई अपॉन एम का जो रेशियो था ई अपॉन एम का रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन के जो निकाले थे वो कॉन्स्टेंट आ रहा था कॉन्स्टेंट से क्या मतलब कि इसका जो था इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ नेचर ऑफ कैथोड पर डिपेंड नहीं करेगी कि हम किसी भी एलिमेंट का कैथोड ले सकते हैं उससे डिपेंड नहीं करेगी दूसरा नेचर ऑफ गैस पर डज नॉट डिपेंड Does not depend upon nature of gas. यानी जो यानी कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो हम ठीक है ट्यूब के अंदर जो गैस रह रहे थे उस पर ही डिपेंड नहीं करते डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस जो गैस हमने फील करी थी अपने ट्यूब में उस पर डिपेंड नहीं करते यानी ई अपॉन एम का रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा आ रहा था कॉन्स्टेंट और ये डिपेंड नहीं कर रहा था कि नेचर क्या होगा कैथोड का और ये डिपेंड नहीं कर रहा था कि नेचर क्या होगा गैस का ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही थी हमेशा कोई भी गैस ले लो या कोई भी कैथोड ले लो कोई भी मटेरियल कैथोड ले लो और कोई भी गैस फिल कर लो उसमें जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन के लिए ई अपॉन एम का रेशियो था वो कॉन्स्टेंट आ रहा था दूसरी बात यही चीज अगर हमने प्रोटॉन के लिए देखी यही चीज हमने ई अपॉन एम का रेशियो जो था फॉर प्रोटॉन के लिए जो देखा हमने फॉर प्रोटॉन के लिए देखा कि ये कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा था क्यों क्योंकि इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कैथोड पर डिपेंड कर रहा था दूसरी बात ये डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ गैस पर इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस पर ये डिपेंड कर रहा था यानी अलग अलग गैसेस के लिए और अलग अलग अगर मटेरियल ले हम कैथोड का तो ई अपॉन एम का जो रेशियो आया वो अलग अलग आएगा यानी कॉन्स्टेंट नहीं होगा ठीक है तो इस तरीके से हमने पता कर पाए कि ई अपॉन एम रेशियो कैसे निकालते हैं प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का उनका कंपैरिजन कैसे किस किस चीज पे इनका रेशियो डिपेंड करता है ठीक है तो इस तरीके से हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन के बारे में बताया कि प्रोटॉन क्या पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मास 1.67 × 10⁻²⁷ केजी होता है ठीक है और हमने सिंबल बताया किस तरीके सिंबल से हम बताते हैं इसको ठीक है तब इतनी चीज बता होने के बाद फिर क्या हुआ फिर अब देखो साइंटिस्टों ने यह पता कर लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं जो कि चार्ज पार्टिकल होते हैं तो एटम के अंदर देखा गया कि एटम जो था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं और एक बात कही थी जिस साइंटिस्टों ने कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम इज इलेक्ट्रिकली जब न्यूट्रल होता है तो उस पर जितना चार्ज ठीक है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसमें एक न्यूट्रल एटम के अंदर तो ये बात कही थी अब क्या हुआ था कि जो साइंटिस्ट ज्यादातर जो स्टडी करते हैं ना वो हाइड्रोजन एटम पर कर रहे थे तो हाइड्रोजन एटम जो होता है सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में और लाइटर भी है तो ज्यादातर जो स्टडी की गई थी वो हाइड्रोजन के ऊपर की गई थी तो जो एक अभी तक यही पता कर पा रहे थे कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है फिर क्या हुआ कि जब एग्जिस्टेंस में जब
हाइड्रोजन को मान के चला शुरुआत में कि हाइड्रोजन पर बन क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं इस पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं इस पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होते हैं बन। इस पर कोई न्यूट्रॉन नहीं था, ठीक है, कोई और पार्टिकल इसके अंदर नहीं था जो आज के डेट में हम जानते हैं जिसे हम न्यूट्रॉन के नाम से, कि इसके पास जो था वो पार्टिकल नहीं था, तो सिर्फ इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, इसके पास और कोई पार्टिकल नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने, साइंटिस्ट बोलते थे कि जो टोटल जो मास आता है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन था वो वन था, हाइड्रोजन का जो मास था वो वन था। तो देखा गया, उन्होंने बताया शुरुआत में साइंटिस्टों ने कि टोटल मास होता है किसी एलिमेंट का, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, क्योंकि क्योंकि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे हाइड्रोजन, वन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ रहे थे वन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा था वन, ये सारी चीजें वन आ रही थी। और देखा गया कि न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, तो मास जो हो गया हाइड्रोजन का किसके बराबर हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये कंसीडर करा जा रहा था शुरुआत में कि जो टोटल मास होता है किसी भी एलिमेंट का वो इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन क्या हुआ बाद में, लेटर देखा गया कि कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो देखें तो वो कितने हैं 6, और जो मास जो आ रहा है कार्बन का, मास ऑफ कार्बन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, एटॉमिक मास जो आ रहा है कार्बन का वो कितना आ रहा है, वो 12 आ रहा है। तो जब शुरुआत में उन्होंने बोला कि जो मास होता है एलिमेंट का वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो इसका मास तो 6 होना चाहिए, लेकिन 12 क्यों है, तो 6 पार्टिकल और कैसे हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तब यहां से डिस्कवरी करनी एक नई पार्टिकल की शुरू हुई थी, नई पार्टिकल की डिस्कवरी करनी शुरू हुई थी। अब ये बहुत साल बाद, ठीक है, 1932 में चैडविक ने क्या करा, चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, बेरिलियम लिया जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 9 होता है, इस पे क्या करा, बॉम्बार्डिंग की अल्फा पार्टिकल की, 2, 4, ये क्या, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं इसको, अल्फा पार्टिकल ये बॉम्बार्डिंग की, तो यहाँ पर कार्बन बना 6, 12 और एक पार्टिकल निकला, नया पार्टिकल ये था जिस पे कि कोई चार्ज नहीं था और इस पर मास कितना था, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर था। तो देखा गया था कि एक नया पार्टिकल ऑब्जर्व हुआ, इसको बोला गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इस पर बोला गया। अब देखो इस पर न्यूट्रॉन बोलने के जो रीजन था इसके पीछे कि इसके पास कोई चार्ज कंसीडर नहीं करता, तो इस पर कोई चार्ज नहीं था इसलिए इसका नाम क्या गया, इसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया। तब जाके बाद में डिस्कवरी हुई, उसके बाद जब इसकी डिस्कवरी हुई 1932 में, जब चैडविक ने क्या करा, चैडविक ने जब डिस्कवरी कर दी किसकी, न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन का देखा गया कि जो मास चार्ज है वो चार्ज कैसा है, 0 है, मास हुआ है, मास अगर हम एब्सोल्यूट मास की देखें 1.679 × 10⁻²⁷ केजी, जो कि प्रोटॉन से स्लाइटली थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर हम बात करें, अप्रोक्सीमेशन मास की, अप्रोक्सीमेशन जब मास की बात करें हम, तो हमने इसका मास अप्रोक्सीमेशन पाया 1। तो देखा गया कि नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ जो था न्यूट्रॉन, इस पर चार्ज 0 था, मास 0 था, इतना आया था अप्रोक्सीमेशन मास 1, यानी इसको रिप्रेजेंट करा था इससे, एन से क्या है, इसको न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन चार्ज कितना था इस पर 0, यानी ये क्या था, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज कितना था इस पर, रिलेटिव चार्ज था इस पर 0, और ये क्या था 1 अप्रोक्सीमेशन मास, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो फिर इसको बाद जब हमारी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर देखा गया कि एटम जो होता है वो कंसिस्ट करता है 3 मेन पार्टिकल्स से, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। जब इसकी डिस्कवरी हो गई थी, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज कितना इस पर 0 है, यानी अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर सब्जेक्टेड करें तो ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं करेगी। यही कारण था कि जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कर रहे थे वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से उस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन ये जो था डिफ्लेक्टिंग नहीं होता, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ना मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, इसलिए इसको जो था वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनकी लेट डिस्कवरी हुई थी, ठीक है।
तब इसकी लेट डिस्कवरी हो जाने के बाद, और लेट डिस्कवरी क्यों हुई थी, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था। फिर देखा गया कि एटम जो है मेनली तीन सब एटम पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से, एक प्रोटॉन से और एक न्यूट्रॉन से। किससे? न्यूट्रॉन से। अब ये तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे हमारे, तो देखो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। अब सिर्फ इतना रह गया था कि इन पार्टिकल्स को हम एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज करें। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कवरीज पढ़ी अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, और जो आने वाले लेक्चर होंगे उसमें मॉडल्स देखेंगे कि किस किस तरीके से एटम्स के मॉडल दिए गए और उसमें किस किस तरीके से इनको अरेंज किया गया। आज अपना लेक्चर यहीं हम फिनिश करते हैं। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।